मनाली के नजदीक चंद्रखाड़ी पास में 60 घंटे से ज्यादा समय से फंसे हैं 8 युवक। आज मौसम में सुधार, शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर बोले, चंद्रखाड़ी पास पर फंसे युवकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी। खराब मौसम के चलते शुक्रवार को सिर्फ 6000 फीट तक ही जा पाया था हेलीकॉप्टर। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले, मनाली में फंसे युवकों को बचाने के लिए अगर सेना और केंद्र सरकार की मदद की हो जरूरत तो प्रदेश सरकार फौरन करे संपर्क। मनाली में लापता युवकों में से 7 संगरूर के एक इंस्टीट्यूट के छात्र, प्रबंधन की जानकारी के बिना गए थे बाहर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं युवक। शिमला में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा। अनुराग ठाकुर बोले, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है उनकी यात्रा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर का मैच को लेकर, सीएम शुरू से ही बदलते रहे रंग। बोले, सीएम ने हिमाचल प्रदेश को दुनिया भर में किया बदनाम और शहीदों के नाम पर की सियासत। चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ जेनेवा में मंच साझा करने से किया इनकार। समर्थकों ने दलाई लामा के प्रति चीन के रुख का किया विरोध। शिमला में ताजा बारिश के बाद और गिरा पारा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जताई बारिश, बर्फबारी और ओले पड़ने की संभावना। किन्नौर, लाहौल स्पीति में अगले 48 घंटे में हो सकती है बर्फबारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के रंग में मौसम ने डाला खलल। 2 दिन से जारी बारिश की वजह से मेले से गायब दर्शक, दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्य निगम और लमन बैंड के कलाकारों ने बिखेरा जलवा। कड़ाके की ठंड और जोरदार बारिश के बीच लोगों का मनोरंजन किया।